हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका और राधे राधे सभी को। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन वीडियो नहीं है। ध्यान दें आप सभी, यदि आप सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो आप वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इस पर अन्य चैनल में, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण वस्तु से 27 डिग्री सेल्सियस तथा 927 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्सर्जित विकिरण ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो इसका आंसर है, इसमें इंग्लिश में भी आप देखेंगे, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस ईच। तो इसका आंसर है 1:4, ठीक है, 1:4। बढ़ते हैं 22वां नंबर सवाल की ओर। किस युग्म की विमाएं समान होती हैं, विमाएं समान होती हैं पूछ रहा है, विच ऑफ टू हैव सम डायमेंशन। तो डायमेंशन में आंसर आपके हो जाएंगे, सेकंड नंबर का आंसर है कोणीय वेग तथा आवृत्ति, मतलब सी नंबर का आंसर सही है, कोणीय वेग तथा आवृत्ति। आपको कुछ कुछ आंसर को, छोटे छोटे आंसर हैं, उनको याद करके जाने हैं, ठीक है। अब 23 नंबर का जो सवाल है उसे आप ध्यान से देखेंगे, किसी ग्रह के चंद्रमा का आवर्तकाल टी है तथा कक्षीय त्रिज्या आर हो तो इस ग्रह का द्रव्यमान लिखा जा सकता है। 23 नंबर का सवाल है, तो इसका आंसर है ए नंबर सही है, 4π² 2r² 3g घातांक में है -1 और टी का है घातांक में माइनस में है 2, ठीक है, ए नंबर का आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर के सवाल हैं, एक समकोणीय समद्विबाहु प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब चित्रानुसार, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो आपका 24 नंबर का आंसर है √2, ए नंबर का आंसर करेक्ट है, ठीक। बढ़ते हैं 25 नंबर के सवाल की ओर। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण होगा, 25 नंबर का सवाल था, तो इसका आंसर है पहला नंबर में 2πh, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, h, इसमें h लिखने के बाद आपको h बाई 2π भी लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखिए, एक कोष्ठ में साबुन पानी के दो बुलबुले ए तथा बी बंद है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इस कोष्ठ के अंदर फाइव को 8 8n/m² 2 दाब पर रखा गया है। बुलबुले बनाने के लिए उपयोग किए गए पानी का पृष्ठ तनाव 0.04 n/m है। अनुपात NA/NB की गणना करें, जहां NA तथा NB क्रमशः A तथा B बुलबुलों में वायुमोलों की संख्या है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की नगण्य मान है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लेन किया गया है, मैंने कुछ चैनलों में भी देखा हुआ था अच्छे से, और आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 26 नंबर का सही जवाब, यदि आप देखेंगे तो इसका सही जवाब है डी नंबर का 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर है, एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई के 3 छड़े x, y, z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी जाती है कि उनका एक सिरा मूल बिंदु पर रहे, इस निकाय का जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो 27 नंबर का सही और सही जवाब है 2ml² 2/3, ए नंबर का आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्नों की ओर। किसी प्रक्षेप के मार्ग के शिखर पर त्वरण होता है, तो 28 नंबर का जो सवाल है तो इसका आंसर है सी नंबर का 0। आपको इंग्लिश में भी देखना हो तो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर के सवाल की ओर। किसी बिंदु पर विद्युत विभव V =
माइनस 5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z है विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। तो इसका आंसर है 29 नंबर का डी नंबर सही है 7। ठीक, आपको देखना है क्वेश्चन, आप देखेंगे अंग्रेजी में इस तरह से दिया हुआ है। तो आप अभी तक देख रहे थे मेरे साथ CGBSE नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से देखे और कुछ लोगों ने शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखेंगे 30 नंबर के सवाल, आप देखेंगे द मिनिमम वेव लेंथ ऑफ एक्स रेस प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सलीरेटेड बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट्स वी इज इक्वल टू। देख रहे हैं 30 नंबर का, अभी देखेंगे इधर हिंदी में वी वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा। तो 30 नंबर का सही जवाब है सी, एच सी बाई ई वी। 30 नंबर का सी सही जवाब है। देखते हैं अगला नंबर है 31 नंबर का सवाल, चित्रानुसार प्रदर्शित किसी 10 ओम प्रतिरोध के साथ एक 5 वॉट की बैटरी जिसकी आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तथा इसकी 2 वोल्ट या वॉट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है को संयोजित किया गया है। आप देखेंगे जो साइड पे लगा हुआ है 5 वॉट और इधर है 2 वॉट, देखेंगे ध्यान से तो पता चल जाएगा आपको। और बाजू में इस तरह से माइनस 2 वॉट प्लस 1 ओम जो प्रश्न है उसी को चित्र में दिखाया गया है। अब बोल रहा है कि 10 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है। तो 31 नंबर की सवाल के सही और सही जवाब है सिर्फ बी, मतलब 0.03A, मतलब P2 से P1 बी नंबर का सही जवाब है। आप देखना चाहते हैं तो 31 नंबर के सवाल है, उसको इंग्लिश में भी देखेंगे और समझेंगे इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप देख रहे हैं तो। 32 नंबर का सवाल आप देख रहे हैं मेरे साथ, ए 16 μ, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, एफ कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ 20 वॉट पोटेंशियल, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड प्योर 40 MHz कॉइल इज, शायद इसमें जेड नहीं है तो MH आप बोले, कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट LS ओसिलिएशन आर सेट अप द मैक्सिमम करेंट इज द कॉइल इज। देखेंगे हिंदी में हम प्रश्न, 32 नंबर का कुछ इस तरह से है, इसके मैं सीधे सीधे आपको जवाब दे देते हैं कि इसका आंसर क्या है। 32 नंबर में है डी नंबर का सही जवाब है 0.4A। अब देखेंगे 33 नंबर के सवाल, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। 33 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब है आपका डी नंबर 0। बहुत ढूंढने के बाद मुझे 34 नंबर के जवाब मिले हैं। तो आप प्रश्न देखेंगे, स्टील तथा तांबे के समान लंबाई के तारों को एक के बाद एक समान भार से खींचा जाता है। स्टील तथा तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः 2.0×10^11 N/m² 2 तथा 1.2×10^11 N/m² 2 है। स्टील तथा तांबे की लंबाई में वृद्धि का अनुपात होगा। इसका जो जवाब है 34 नंबर का जवाब है 3/5, मतलब बी नंबर का आंसर सही है। अब देखेंगे 35 नंबर के सवाल, 20 ओम प्रतिरोध वाले एक धारा मापी को एक ए पदार्थ के अमीटर में परिवर्तित करता है। यदि एक MA की धारा पूर्ण विक्षेपण उत्पन्न करती है तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सट का मान है, इसमें सट का मान पूछा है। तो 35 नंबर का जवाब में सही और सही जवाब है सिर्फ 35 का 0.02 ओम, मतलब सी नंबर का जवाब सही है। अब पहले हम 36 नंबर का सवाल देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश का देख लेंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में फी चाल से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसके लिए E/m होगा। तो 35 नंबर का सवाल मतलब हो गया, तो 36 नंबर के हम पढ़ रहे थे, इसका आंसर है फी, वी आप पहले लिखेंगे उसके बाद अपान करेंगे बी और आर, ठीक है, प्रश्न में ही आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे इस तरह से आपका 34, 35 और 36 का इंग्लिश में भी देख रहे हैं ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
तो 37 नंबर के सवाल हैं, 2 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के परिपथ में 0.02 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 2WB से 10WB हो जाता है, इस समय में कुंडली में बहने वाला आवेश है। तो इसके सही जवाब में है आपके लिए 37 नंबर का सवाल है, तो 4 कूलाम मतलब बी नंबर का आंसर सही है। आप इंग्लिश में इस तरह से देखेंगे, इन अ सर्किट विथ अ कॉइल इज रेसिस्टेंट 2 ओम, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2WB टू 10WB इन 0.2 सेकंड्स, द चार्ज दैट फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। ठीक, अब बढ़ते हैं 38 नंबर के सवाल, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान है। इस नंबर के सवाल के लिए आप खुद हल करेंगे और मुझे किसी भी माध्यम से आप सर्च करेंगे, YouTube, गूगल, क्रोम, कहीं से भी, और मुझे आप जवाब बताएंगे। आपके लिए प्रश्न हम छोड़ रहे हैं 38 नंबर। बढ़ते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर, दिए गए परिपथ में धारा आई होगी। देखेंगे प्रश्न कुछ इस तरह है इंग्लिश में भी। ठीक, तो इसके जवाब हैं 5/50। ठीक है, बी नंबर का 5/50 ए। यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही करके बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं 40 नंबर के सवाल, दो सरल आवर्त गतियों के समीकरण y1 = 4 sin, आपको अंदर में कोष्टक में दिखेगा 4πt + π/2, कोष्टक बंद है, उसके बाद y2 = 3 cos, कोष्टक के अंदर है 4πt एंड ब्रैकेट बंद है। ठीक है, द्वारा प्रदर्शित है उनका परिणामी आयाम होगा। तो इसके जवाब में सिर्फ आंसर बी नंबर सही है, एक। ठीक, इंग्लिश में कुछ देखेंगे आप इस तरह से है। तो आप देख रहे थे 38 नंबर के सवाल के इंग्लिश के क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अगले पार्ट में हम बनाएंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर, तो आप उसके लिए तैयार रहें। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे साथ देख रहे थे BSc नर्सिंग के सेट ए के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के, तो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं हम लोग चैनल में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर डल गया है, क्वेश्चन पेपर और आंसर, तो आप पहले देखें और फिर बताएं आपको और क्या क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।